अगर आपकी टांग लंगड़ी नहीं है ना तो दुनिया बहुत छोटी है। वो ये समझता है कि ओवरनाइट वो पॉपुलर हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा। ये मशहूरी की ख्वाहिश जो है ना, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, और मजबूत कश्तियां जो है ना टाइटैनिक की तरह डूब जाती हैं। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्बास खोखर और आप देख रहे हैं NI न्यूज। नाज़रीन, आज हमारे साथ सहाफत के नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने सहाफत में अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा अरसा जो है वो सर्व किया। आज वो एक प्रोग्राम की जो है वो सदारत कर रहे थे, ट्रेन द यंग जर्नलिस्ट। उनसे आज क्वेश्चन करते हैं कि आने वाले जो सहाफ़ी हैं, नौजवान है, नौजवान तबका है, उनको सहाफत में क्या क्या मुश्किलात होंगी और सहाफत में वो अपनी मुश्किलात को कैसे दूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, ये बताइएगा कि आज के प्रोग्राम का मकसद क्या था कि नौजवान नस्ल जो है स्क्रीन पे तो आना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ते जो हैं वो अपनाते हैं। आपने माशाल्लाह से ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सहाफत में सर्फ किया, आप सहाफत में किस तरह से आए और आज का जो नौजवान है वो किस तरह से आना चाह रहा है? देखिए, जाहिर है हमने जब सहाफत शुरू की थी तब इतना ग्लैमर तो नहीं था, तो बहरहाल हमने तो बहुत नीचे से सहाफत शुरू की और करते करते यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जो आज का नौजवान है वो ये समझता है कि ओवर नाइट वो पॉपुलर हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा। ये मशहूरी की ख्वाहिश जो है ना, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जबकि जो बहुत बड़े रियल हीरोज़ होते हैं वो मशहूर हुए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो इस नस्ल को भी ये समझना होगा कि खाली एंकरिंग ही सहाफत नहीं है, और भी बहुत सारे शोबे हैं। सर, आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या था? आज के प्रोग्राम का मकसद यही था, हम कलम दोस्त के और प्लेटफार्म से हमने कोशिश की कि नौजवान नस्ल को सहाफत के मुख्तलिफ जो जहते हैं, डायमेंशनस हैं, उनको बताया जाए और उसके जो उन डायमेंशनस के अंदर एक्सपर्ट्स लोग हैं वो आके अपने ख्याल का इजहार करें, अपने एक्सपीरियंसिस शेयर करें ताकि उन्हें कुछ पता चल सके। सर, मीडिया चैनल्स में जो है वो प्लेस कम है, लेकिन ज़्यादातर नौजवान नस्ल जो है वो इस फील्ड को जो है वो अपना रही है कि हम जो है वो मीडिया स्क्रीन पे नज़र आएंगे, मीडिया चैनल ज्वाइन करेंगे, लेकिन आगे प्लेस कम है। कुछ हुकूमती मामलात भी हैं, जैसे मीडिया मालकान को इश्तहारात नहीं मिलते, जो पहले लगे हुए थे, पहले वर्कर्स थे उनको निकाला गया, बहुत से मामलात हैं। आप इसके बारे में नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी टांग लंगड़ी नहीं है ना तो दुनिया बहुत छोटी है। दुनिया उनके लिए बड़ी होती है जिनकी टांग लंगड़ी होती है। आप में भागने की बढ़ने की ख्वाहिश है तो दुनिया आपके सामने खड़ी होती है। दुनिया दिल वालों की होती है, और जिनके अंदर दिल होता है दुनिया उनके आगे टिकती नहीं है, वो जीत जाते हैं। जो कच्चे घड़े के ऊपर तैरना जानते हैं ना दिल वाले, वही नदियाँ और दरिया पार करते हैं, और मजबूत कश्तियाँ जो है ना टाइटैनिक की तरह डूब जाती हैं। सर, आखिर में मैंने आगे आपके अशार सुने हैं, आखिर में कोई नौजवानों के लिए शेर अर्ज़ करना चाहेंगे? मैंने वो एक नज़म शेर की थी कि चलो उठो ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें आबाद इसको आरजुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके। थैंक यू।